शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। 17 जून को बजाज नगर थाना अंतर्गत अतरे लेआउट आनंद नगर में संजय लाटकर के घर में चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। इस अड्डे से नगर सेवक प्रवीण भिसीकर सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नगर सेवक जुआ अड्डे पर जुआ खेलते पकड़े जाने पर राजनीतिक पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीती रात बजाज नगर पुलिस को सूचना मिली, अतरे लेआउट आनंद नगर में छिपे कुछ दिनों से एक घर में कार और दोपहिया वाहन का जमघट लगा रहता है। पुलिस ने आनंद नगर में जाकर तफ्तीश की तो उन्हें संजय लाटकर के घर के सामने कुछ कारें और दोपहिया वाहन खड़ी नजर आई। पुलिस ने लाटकर के घर पर छापा मारा और यहां पर जुआ खेलते हुए आरोपी नगर सेवक प्रवीण भिसेकर, प्रवीण पराते, नरेंद्र मेशराम, सुरेश भोयर, नीलेश मोहाड़ीकर, संजय उराड़े, रमेश जाधव, न्यानराव धार्मिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस अड्डे से नगद 10,000 रुपए सहित 19 लाख रुपयों का माल जब्त किया है। आरोपियों में एक डागा अस्पताल का अधिकारी भी होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। काल तारीख ला आम्ही पेट्रोलिंग दरम्यान आम्हाला माहिती भेटली, आनंद नगर अत्रे लेआउट NIT उद्यान जवळ संजय लाटकर यांचं घर आहे। या ठिकाणी काही लोक पैशावर बाजीरावून तिथे जुगार खेळत आहे। अशा माहितीवरून आम्ही काल सायंकाळी 7:30 वाजता तिथे आम्ही रेड मारला। तिथे एकूण आम्हाला 8 आरोपी हे तासपत्त्यावर जुगार खेळत असताना मिळून आलेले आहेत। त्यांच्याकडून आम्ही नगदी 10,207 मोबाईल फोन, 3 चारचाकी वाहन आणि 2 दुचाकी वाहन असा एकूण 19,80,200 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे। आणि जे घर मालक आहेत त्यांनासुद्धा आम्ही आरोपी केलेला आहे। अशा 9 लोकांविरुद्ध आम्ही पोलीस स्टेशन बजाज नगर येथे गॅम्बलिंग ॲक्टनुसार आम्ही कारवाई केलेली आहे। जुगारमध्ये एकूण आम्हाला 8 आरोपी जे मिळालेले आहेत त्याच्यामध्ये आहेत एक श्री प्रवीण भिसेकर, श्री संजय कुराडे, नरेंद्र मेसराम, प्रवीण पराते, सुरेश भोयर, नीलेश मोहाडीकर, रमेश जाधव आणि ज्ञानराव धार्मिक। यातले हे सर्व वेगवेगळ्या नागपूरमध्ये वेगवेगळ्या एरियात राहणारे लोक आहेत आणि ते तिथे एकत्र जुगार खेळण्यासाठी आलेले होते। तर प्रवीण भिसेकर नावाचे जे इसम आहेत ते तिनल चौक कसारपुरा पोलीस स्टेशन तहसीलच्या हद्दीत राहतात, नगरसेवक आहेत ते। आणि संजय कुराडे म्हणून आहेत ते, मंगलधाम सोसायटीला राहतात ते, सहायक अधीक्षक आहेत डागा हॉस्पिटलला। तसे डागा हॉस्पिटलचे काही आणखी 2 कर्मचारी होते आणि बाकी जे इतर जनरल लोक होते।